हेलो एवरी वन बेस्ड ऑन द लास्ट लर्न कॉन्सेप्ट वन मोर क्वेश्चन ये क्वेश्चन आई आई टी में भी आया हुआ है सो पहले आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट द क्वेश्चन इज सो इट्स एज कि अपने पास दो स्फीयर हैं सो वी हैव स्फीयर्स द बिगर वन इज़ अ हॉलो इस्फियर उसके इन साइड में एक और स्फीयर रहता है इन साइड हॉलो या हॉलो हो या फिर सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ेगा सो बिगर वन के मास uh, so, और रेडियस गिवेन है सो बिगर स्फीयर हैज़ अ फोर एम मास सिक्स आर एज रेडियस और इनसाइड एक जो स्फीयर रखा गया है ये इसका मास एम दिया गया है इसका रेडियस आर दिया गया है क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इनिशियली जब ये प्लेस्ड है तो उसका सेंटर एल कॉमर जीरो पर रखा हुआ है ये ओरिजिन पॉइंट है और इसका सेंटर यहाँ पर होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना होगा और इसने बोला कि कोई फ्रिक्शन नहीं है सो देर इज़ नो फ्रिक्शन देर इज़ नो फ्रिक्शन एनी वे सो कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है अच्छा जी जो स्फीयर्स हैं वो भी स्मूथ फ्रिक्शन लेस टेबल पर रखे हुए हैं सो so, ये टॉप से दिख रहा है तो टेबल नीचे है अगर आप साइड से देखोगे तो फिर टेबल आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा सो so, टेबल ड्रॉ करके नहीं दिया गया था सो स्मूद टेबल पर प्लेस्ड है दे आर प्लेस्ड ऑन स्मूदर्स हो इज ऑन द टेबल राइट सो वी नीड टू फाइंड समथिंग कि इसको आ, इस अरेंजमेंट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलीज किया जाता है तो जब इसको रिलीज किया जाएगा तो फिर ये आ, जो स्फियर है छोटा वाला डाउन साइड आएगा और इस तरह से मूव करके यहाँ पे आएगा तो जब ये स्मॉल स्फीयर अपोजिट एंड पे आता है इस एंड पर आता है उस समय बिगर स्फीयर का सेंटर सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होगा वो पता करना है सो व्हाट वी नीड टू फाइंड फाइंड सेंटर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर सो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फाइंड सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर और बिग स्फीयर वेन स्मॉल स्फीयर

आपको ये भी पता है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इनिशियली जीरो थी वाई डायरेक्शन में भी इनिशियली जीरो थी हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में चल पता करना अपने को तो इससे हम लोग एक बात क्लेम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजिशन होगी इनिशियली दैट शुड बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की पोजिशन फाइनली सो दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू अप्लाई एंड देन वी नीड टू फाइन द इनिशियल सेंटर मास्ट पोजिशन एंड फाइनल फाइनल के लिए एक और फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो इसके कॉर्डिनेट्स बता देते हैं सो लेट्स ए कि ये जो कॉर्डिनेट है नाउ इट बिकम्स एल कामा सॉरी दिस बिकम्स एल प्लस एक्स कॉमा जीरो इसका मतलब हम लोगों ने क्या एज्यूम किया हुआ है कि ये जो बिगर स्फीयर का अरेंजमेंट था ये एक्स अमाउंट से आगे चला गया है दस वर्ड वी आर एज्यूमिंग और कंसिडरिंग और इसी एक्स को अपने को पता करना है क्योंकि ये एक्स वो अमाउंट है जिस अमाउंट से आगे जाता है अगर ये आगे चला गया तो फिर क्या हम इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता कर सकते हैं एमोसफियर का डेफिनेटली कर सकते हैं और इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे फाइनल निकालेंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे राइट सो लेट्स राइट द कोऑर्डिनेट्स कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इनिशियली इसके सेंटर का लोकेशन कितना रहा होगा सो दिस वॉज एल दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच सिक्स आर और उसमें से एक आर अपने को कम कर देना है So, अगर हम एक आर कम करते हैं सो दिस विल बिकम एल प्लस फाइव आर खामा ज़ीरो वॉट इज गोइंग टू द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सो दिस इज़ नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज एल प्लस एक्स एंड दिस टोटल इज सिक्स आर उस सिक्स आर में से एक आर को अपने को कम करने का सो दैट मीन्स फाइव आर अपने को पीछे आने का सो इट्स गोइंग टू बी एल प्लस एक्स माइनस फाइव आर खमा ज़ीरो सो दिस विल बी द क्वाडिनेट ऑफ दिस एम मास एंड दिस इज द क्वाडिनेट ऑफ दिस फोर एम मास बाकी रेडियाई का हम लोगों ने यूज़ कर लिया है तो ये अपना औरजिन है सो नाओ वी कैन राइट द इनिशियल सेंटर ऑफ मास पोजिशन हाउ वी राइट लेट से बिगर को वन पकड़ते हैं इसको सेकेंड पकड़ते हैं तो अपने को लिखना होगा फोर एम उसका एक्स क्वाडिनेट विच इज एल प्लस एम उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एल प्लस फाइव आर डिवाइड बाई टोटल मास सो दैट गोइंग टू बी फोर एम प्लस एम इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं इस अरेंजमेंट से जैसे फाइनल अरेंजमेंट सो फ्रॉम हेयर वी विल राइट फोर एम मास लोकेशन प्लस प्लस दिस एम मास नाउ हैज़ अ सेंटर ऑफ मास लोकेशन एल प्लस एक्स माइनस फाइव आर डिवाइडेड बाई फोर एम प्लस एम ना यू कैन थिंक ऑफ कि वाई कॉर्डिनेट के साथ क्या चल रहा होगा वाई कॉर्डिनेट ऑलवेज जीरो रहता है इसलिए वाई कॉर्डिनेट में कोई शिफ्ट नहीं आएगा तो हम लोग केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसको जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर कैन भी हैंडल्ड सो जब न्यूमिनेटर को आप हैंडल करोगे तो ये बनेगा फोर एम एल लेट मी रेट ऑल द स्टेप्स अब क्विकली कैलकुलेशन भी कर सकते हो दिस विल बी फाइव आर इन टू एम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा फोर एम एल प्लस फोर एम एक्स राइटिंग डाउन साइड प्लस दिस एम एल प्लस एम एक्स माइनस फाइव आर एम नाउ यू विल फाइंड कि बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं जैसे ये फोर एम एल फोर एम एल कैंसिल हो गया और ये एम एल से एम एल कैंसिल हो गया अपने पास जो बचता है ये फाइव प्लस फाइव टेन एम आर इज़ इक्वल टू दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट दिस साइड यू आर गोइंग टू गेट एज अ फाइव एम एक्स सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स सो एक्स विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस आर सो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो अपने को पता करना था सेंटर ऑफ बिग स्फीयर That is clear now. What is that? This was L plus X. So we will call it as L plus X, that is L plus 2R. So that becomes our answer. So proper uh, L plus 2R, comma 0, because y coordinate is 0 hai. Fine. So after understanding this, let us go for the next point, important point. हम लोगों ने केस टाइप डील किया है तो मैं आपको रिवाइज़ uh, करा देता हूँ कुछ ऐसा बोला था कि केस uh, वन अगर, अगर अपना नॉर्मन क्लेचर का याद रखें सो इट वॉज़ लाइक कि अगर फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो होता है सो so उससे अपने को रिजल्ट मिलता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और यू कैन कॉल इट एज अ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है दोनों का एक ही मतलब है इसका मतलब कभी चाहे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं या फिर ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ सेंट्रॉ का मास का वेलोसिटी इसके बाद केस टू देखा केस टू कॉन्सेप्ट में आपने ये लर्न किया है कि अगर ये ज़ीरो वाला केस था वो इसके आगे जाता है कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो रहती है तो ऑफकोर्स ये फोर्स जीरो होगा उसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ज़ीरो है सो so, इससे हम लोग ये क्लेम कर लेते हैं कि हम उसका पोजीशन नहीं बदलता है तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन कांस्टेंट रहता है इसी पर बेस ये लास्ट एग्जांपल था नाउ वी कैन थिंक ऑफ कि एक और भी एक एक्स्ट्रा केस और नेक्स्ट केस जो होगा वो थर्ड केस कहलाएगा नाउ ये फर्स्ट केस में भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सेकेंड केस में भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसमें इनहरेंट है कि एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो होना पड़ेगा तभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है सो so, uh, अपने पास uh, ऐसा भी बोल सकते हो कि दो केसेस हैं या तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी सो so, वॉट इफ़ की अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो है उस समय हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं उस समय हम ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करेगी सो so, अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है सो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा उसके पास वेलोसिटी आएगी उसके पोजीशन में चेंजेस आएंगे राइट सो देन वट वी आर गोइंग टू डू इज सो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे बेसिक रूल को कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है या जो फोर्स लगता है फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही होगा अपने लिए दिस इज गोइंग टू बी रिटेन एज डी पी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड नाउ दिस इज नॉन जीरो सो इसलिए पी को कॉन्स्टेंट होने का नहीं तो so, आप इसको डायरेक्टली लगा लोगे और इससे अगर आपको लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी यहाँ पर एफ फोर्स है डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल है इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो बोथ साइड अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड सो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज इक्ल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी लीनियर मोमेंटम विल बी चेंजिंग ऑफ कोर्स सो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक चेंज करेगा और ये किसी इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक चेंज करेगा लेट्स से इनिशियल टाइम को हम लोग इक्वल टू जीरो कैच करते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम माइंड इट की ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो के साथ लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी ज़ीरो टू टी सो ये अपने पास एक्सप्रेशन हो जाएगा ये जनरल द मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है और बाकी सारे केस इसी के अंदर हैं अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें सो तो इसको हमको याद रखना है ये लिखा हुआ है चेंज इन लीनियर मोमेंटम और ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एफ टी ना अगर एफ़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आप पाओगे कि राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएंगे जो कि बेसिकली इस फर्स्ट वाले पार्ट को बोलता है कि जब फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और सेकेंड पार्ट उसी का ही सब पार्ट है और ये अपने पास जनरल पार्ट हो गया राइट सो जब कभी आपको फोर्स गेम हो तो इस इक्वेशन को लगा करके हम फाइनल लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं अगर इनिशियल लीनियर मोमेंटम नॉन है फोर्स नॉन है और आ, किस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात चले वो भी नॉन है जहाँ पर इस तरह का इंटीग्रेशन आता है तो आपके दिमाग में एक और बात आ जाती है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोई भी ग्राफ बनाते हैं लिट से लिट्सिक अगर अपने इस तरह के ग्राफ प्लॉट किया जिसमें दो क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं इस साइड एफ ओ और यहाँ पर टी ओ सो so, जो भी ग्राफ आने वाला है तो उसका ये एरिया बनता है एरिया अंडर ग्राफ राइट right. सोलेट so, से कोई फोर्स इस तरह से वेरी करता है मैंने एक रैंडम केस दिखाया सो so, अगर ये फोर्स आपको गिवेन है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एरिया अंडर द गाफ सो यू नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया अगर ये एरिया आप कैलकुलेट कर पाते हैं सो ये एरिया अपने को क्या देने वाला है सो कैन वी से एरिया अंडर

सो वो जोमेट्रिकली एक अच्छा एरिया देगा जैसे कि ट्राइंगल रेक्टेंगल और सर्कुलर और समथिंग लाइक जिसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सको उसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस एरिया इज गोइंग टू बी बेसिकली इंटीग्रेशन एफ डी टी फ्रॉम इनिशियल टी टू फाइनल टी सो टी की वैल्यूज़ जो होंगे वहाँ से वहाँ तक अपने को लगा देने का सो ग्राफिकल बेस्ट आ सकता है और न्यूमेरिकल बेस्ट भी क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं So, let me see what the impulse is impulse so impulse can define defined that uh, it is a condition in which a very large force acts for a very small time duration. So um, we can say when a large force or very large force acts for a small time duration a small time duration then it is known as impulse it is known as impulse can you think of any situation in which a very large force acts for a very small time duration सो so, अगर आप दिमाग लगाएं और सोचने की कोशिश करें तो आपको सिचुएशंस मिलेंगे बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगे जैसे आपके पास में सपोज कर एक बॉल है और आप बॉल को ग्राउंड पर आ, थ्रो करते हो या ऊपर से ड्रॉप करते हो तो जब आपने बॉल को ड्रॉप किया सो so जब द मोमेंट बॉल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस ग्राउंड अगर उस मोमेंट को आप देखो तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले जस्ट पहले उसके पास एक वेलोसिटी होती है डाउन सेट की तरफ कोलाइट करने के जस्ट पहले और इसके बाद देन आफ्टर यू विल फाइंड कि दिस बॉल मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ डिफरेंट वेलोसिटी सो इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ डायरेक्शन चेंज हुई और ये जो स्टोरी होता है दैट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम सो जिस जितना टाइम ये बॉल अर्थ के ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहता है वो टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है सो so, ये इंट्रैक्शन टाइम डेल्टा टी इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो और इस सिचुएशन पर जो फोर्सेस एक्ट किए होंगे इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉ द फोर्स सो ये बॉल पर अगर हम बॉल को ड्रॉ करते हैं लेट्स ये बॉल है तो उस पर इस तरह से एक फोर्स लगा होगा ऊपर ये जो फोर्स लगा होगा ये नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में रहा होगा लेकिन आप इस डेल्टा टी के ड्यूरेशन में अगर इस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करोगे तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम के बराबर नहीं होगी इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम से बहुत ज्यादा बड़ी होगी नौ ये उस पॉइंट के कॉन्ट्रेरी है अगर आपने एक बॉल को ग्राउंड पे जेंटली प्लेस किया तो जेंटली अगर आपने एक प्लेस किया तो उस समय जो नॉर्मल रिएक्शन आता है वो उसके एम के बराबर होता है लेकिन अगर ये बॉल हिट कर रहा है ग्राउंड को किसी हाइट से या वेलोसिटी से आकर के तो उस समय उस मोमेंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो एम के इक्वल नहीं होता है इसके पीछे रीजन क्या है बहुत सिंपल रीजन है क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था इसके बाद इसको ऊपर जाना है इसका मतलब इसके पास एक एक्सेलरेशन होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पर इक्वेशन बनती है अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखना चाहो न्यूटन्स लॉ के फॉर्म में तो एक अपवर्ड एक्सेलोरेशन लगता है जो कि एक लार्ज वैल्यू होती है सो तो ए बहुत बड़ा होता है उस ए को बड़ा होने के लिए एन को फिर काफ़ी बड़ा होना पड़ता है तो पॉइंट इज़ कि जो एन की वैल्यू है ये काफ़ी बड़ा नंबर है हाँ हालाँकि ये जो ए एक्ट करेगा वो उसी ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगा जितने टाइम के लिए कांटेक्ट पर है क्योंकि जैसे ही कांटेक्ट हटा तो नॉर्मल रिएक्शन डिसअपियर हो जाएगा तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिव है वो बहुत कम टाइम के लिए है जबकि एम का जो एक्शन है वो काफ़ी वो वो कंटिन्यूसली सस्टेन करेगा सो पॉइंट इसकी जो एन है दैट इज़ अ वेरी लार्ज फोर्स एंड दैट फोर्स एक्ट ओनली फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन हेंस वी विल कॉल दैट दिस सिचुएशन इन दिस सिचुएशन द बॉल इज एक्सपीरियंसिंग एन इम्पल्स फ्राम द ग्राउंड सिमिलरली द ग्राउंड इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग एन इम्पल्स फ्राम द बॉल तो दोनों एक इम्पल्स को एक्सपीरियंस करते हैं इम्पल्स एक विक्टर क्वान्टिटी है कई बार उसको हम जे से लिखते हैं जे फॉर इम्पल्स तो अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें या एबीडियस एबेड़, बनाना चाहें और उसको शो करना चाहें तो इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये ग्राउंड का अगर एफ बनाओगे तो ग्राउंड पर एक इंपल्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ सो द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड बाई द बॉल एंड इफ यू लुक एट द बॉल सो ऑन बॉल द इम्पल्स इज एक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड डायरेक्शन सो इंपल्स इज जस्ट इंपल्स का डायरेक्शन वही आएगा जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन आएगा सो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन को ही इंपल्स की डायरेक्शन बोलेंगे Uh, इसका मतलब है कि इम्पल्स इस पर ऊपर लगेगा इस ग्राउंड पर इम्पल्स नीचे लगेगा दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इम्पल्स एक दूसरे को नलीफाई कर जाएंगे राइट सो right. so, अगर हम इंडिविजुअल एबीलिटीज देखेंगे तो इम्पल्स लगेगा सो व्हाट इज इम्पल्स अ वेरी लार्ज फोर्स दैट एक्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन इफ दिस इज द सिचुएशन देन वी कॉल इट इज अम्पल्स राइट नाउ वॉट दिस इम्पल्स इज एंड हाउ वी आर वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस सो so, इम्पल्स किसी भी फोर्स का इम्पल्स लिखते हैं तो उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी सो दिस इज इम्पल्स ड्यू टू अ फोर्स इम्पल्स ड्यू टू एफ फोर्स सो अगर एफ फोर्स की वजह से निकालना होगा तो हम उसको लिखेंगे एफ डी टी सिमिलरली इस एग्जाम्पल पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर चल रहा है अगर यहाँ पर ये इम्पल्स को लिखना होगा तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन एंड डी टी जब हम बॉल पे लगा रहे होंगे तो बॉल पे लगने वाला एन आएगा इसका अंदर इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एन की डायरेक्शन में जाएगी ग्राउंड पर लगा रहे होंगे तो ग्राउंड के नॉर्मल डायरेक्शन को यूज़ करेंगे इसलिए वो डाउनवर्ड आया है तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से याद रख सकते हैं कि जो इम्पल्स का डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है बाकी टाइम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो डेल्टा टी हमेशा टाइम हमेशा इंक्रीज करता है तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे कोई डॉट जैसा नहीं है क्योंकि ये स्केलर नंबर है ये सिंपली मल्टीप्लाइड है सो so, जे की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट कर सकते हैं सो इम्पल्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा फोर्स जिस फोर्स की वजह से हम इम्पल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नाउ इफ यू लुक एट दिस थर्ड केस जो भी आपने देखा उसमें आपने ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर लिया कि इंटीग्रेशन एफ डेटी की वैल्यू चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है सो so, उससे हम इम्पल्स की वैल्यू भी दैट मीन्स वी कैन से दिस इज़ नथिंग बट इम्पल्स और इम्पल्स में जनरली ऐसा ग्राफ आता है इसलिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया था इसमें ये जो टाइम ड्यूरेशन है डेल्टा टी इसको स्मॉल होना चाहिए और ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो बड़ा होना चाहिए सो so, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लार्ज है डेल्टा टी स्मॉल है सो वी विल कॉल इट एज ए इम्पल्स समटाइम वी ऑल्सो कॉल्ड एज अ जर्क सो जर्क और इम्पल्स इम्पल्स इज अ फॉर्मल नेम सो इसलिए हम इम्पल्स को यूज़ करेंगे एंड उसकी वैल्यू इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको एफ़ uh, की वैल्यू पता हो तो यहाँ से इसका डायरेक्शन uh, आ गया जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा जे इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड कैन बी रिटेन एज जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ टी टी नो अगर एफ़ कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर निकल आएगा और अगर एफ़ वेरिएबल होगा तो उसको अंदर रखना होगा इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली मॉड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विच इज बेसिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम थर्ड केस में जो देखा उसी को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे right. कई बार क्या होता है कि फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम करने के लिए बोलता है तो अगर हमने फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम किया सो so क्या हो जाएगा इफ एफ इज कांस्टेंट तो कॉन्स्टेंट केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी एफ इंटीग्रेशन डी टी विच कम डेल्टा टी सो दिस कैन बी यूज फॉर द केस वेन द फोर्स इज कॉन्स्टेंट इट इज एक्ट साइड द कॉन्स्टेंट ना इसमें फोर्स अगर बड़ा है और टाइम बहुत छोटा है तो दोनों का मल्टीपल एक सिग्निफिकेंट नंबर आता है बट कई सिचुएशन में क्या होगा कि फोर्स स्मॉल होगा डेल्टा टी तो स्मॉल रहेगा ही रहेगा तो उस केस में आप पाओगे कि अगर दोनों स्मॉल होंगे तो फिर ये जेड की जे की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी तो कई बार हम उसको निग्लेक्ट भी कर देते हैं जैसे कि आ, अगर आपसे कभी ऐसा बोलता है कि दो पार्टिकल्स एयर में कोलाइड करते हैं ये आ, इसके अप्रोक्सीमेशन की मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपसे बोलता है कि एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है दोनों के मासिस आपको दिए गए हैं एम और एम अभी हम लोग कोलिजन और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो लेट से एम है ये एम है सो ये इधर जा रहा था और ये इधर आ रहा था जब ये दोनों पार्टिकल मीट करेंगे इंट्रैक्शन होगा कैन यू थिंक ऑफ ये जो इंट्रैक्शन होगा वो बहुत कम टाइम के लिए होता है यस कैन यू थिंक ऑफ कि जब ये इंट्रैक्शन होगा वो बहुत पावरफुल इंट्रैक्शन होगा जब भी कोल्यूजन्स होते हैं तो हमेशा इम इम्पल्स लगता है क्योंकि उसमें फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है तो इस तरह का अगर जब कोलिजन हो रहा होगा तो आप पाओगे कि इसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स देखोगे तो पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा एम वन प्लस एम टू जी क्योंकि ये एम वन एम टू एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो ये नेट फोर्स एक्सटर्नल डाउन साइड लगेगा तो उस केसेस के हिसाब से इसको हमको लिखना होगा क्या लिखना होगा कि इसके लिए इक्वेशन जो बनेगी और ये एम वन प्लस एम टू जी कैसा है कॉन्स्टेंट है सो so, ये एग्जाम्पल है सो so, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझने का ये बेसिकली इस पॉइंट पर बेस्ड है जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको और कैसे इसको डील करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो सो so, नेट फोर्स ये हो गया तो इसके लिए हम इक्वेशन ऐसा लिखेंगे कि जो इम्पल्स uh, आएगा जे की वैल्यू जे की वैल्यू आएगी एम वन प्लस एम टू इंटू जी ये तो फोर्स हुआ लेट से डेल्टा टी टाइम के लिए कोलाइड किया था तो डेल्टा टी के टाइम के लिए कोलिजन हो गया और फिर हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो चेंज होता है दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर और भी प्रॉपरली लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ दी सिस्टम दैट मीन्स दोनों पार्टिकल्स को कंसिडर करके इनिशियल दोनों पार्टिकल को कंसिडर करके यहाँ पर जो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ उसमें बोथ द पार्टिकल्स हैव बीन इंक्लूडेड एज अ सिस्टम आप सिंगल पे लगाओगे तो फिर एक एम वन लिखेंगे और दूसरे पे लगाओगे तो एम टू लिखेंगे तो उसी का ही लीनियर मोमेंटम लिखेंगे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का लिखना है ओके आई होप दैट्स अंडरस्टूड पॉइंट सो पॉइंट क्या है कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है उसको हमको ऐसा लिखना चाहिए दस आइडियल वे ऑफ राइटिंग बट समाइम uh, आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि जिसमें uh, हमको डेल्टा टी नहीं दिया होगा मासिस के बारे में इस, इसको नहीं यूज़ करना होगा उसमें हम अप्रोक्सीमेट करके ये भी बोल सकते हैं कि ये जो टर्म आने वाला है ये काफ़ी स्मॉल आने वाला है क्यों क्योंकि एम वन प्लस एम टू जी काफ़ी स्मॉल नंबर है और कॉन्स्टेंट uh, है शार्प uh, uh, बहुत ज़्यादा लार्ज सडनली नहीं राइज राइस करता है और डेल्टा डी बहुत छोटा है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट काफ़ी स्मॉल आएगा तो बेसिकली ये नंबर स्मॉल रहता है Now, अब आपको क्या होगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कभी इसको हमको जीरो कंसीडर करना होगा और कभी इसको हमको नॉन जीरो कंसीडर करना होगा तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे अगर ऑप्शंस में ये सब यूज कर रहा है uh, तो हम इसको रिटेन करेंगे अदरवाइज इस स्मॉल को हम कभी जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं सो ऑन अप्रोक्सीमेट लेवल वी कैन कंसीडर इट एज ए जीरो अप्रोक्सीमेट लेवल वी कैन से इनिशियल मोमेंटम माइना दिस दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरोन क्लीन अप्रोक्सीमेट करके इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं एज लॉन्ग एज द एक्टिंग फोर्स एक्टिंग फोर्स इज नॉट वेरी लार्ज और जो लार्ज फोर्स होता है उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं और इस तरह कॉन्स्टेंट और स्मॉल फोर्सिस को नॉन इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं ओके okay. सो so, इस तरह से भी टर्मिनोलॉजी चलेगी इम्पलसिव फोर्स सो वेन एवर इट्स इज इम्पल्सिव फोर्स सो इसका मतलब होता है लार्ज फोर्स वेरी लार्ज फोर्स लार्ज एंड सडन फोर्स सडन का मतलब हुआ सडनली आएगा और स्मॉल टाइम के लिए रहेगा उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे नॉन इम्पल्सिव नॉन इम्पलसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जो स्मॉल uh, होगा और कांस्टेंट होगा स्मॉल फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स उनको हम बोलते हैं दे आर नॉन इंपल्सिव सो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली नॉन इंपल्सिव नेचर का है क्योंकि वो कांस्टेंट है और uh, इम्पल्सिव फोर्स होगा तो सडन आता है जैसे अभी आपने इसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि जब इससे इसका कोलिजन हुआ तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया दैट वॉज इम्पल्सिव रिएक्शन सो so, इसलिए uh, जो हम लोग इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं वो इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए कैलकुलेट करते हैं और जो कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं उनका इम्पल्स काफ़ी छोटा होता है क्योंकि टाइम्स जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो टाइम ड्यूरेशन काफ़ी छोटा होता है ओके okay? सो so, ये अप्रॉक्सिमेशन वैलिड होता है तो इसको हम लगा सकते हैं बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज दिस अगर अप्रॉक्सीमेशन लेने को अलाउड किया जाएगा डिपेंडिप ऑन द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन वी कैन आल्सो डू दैट एज वेल ओके सो बेस्ड ऑन दिस थर्ड केस एंड इम्पल्स डेफिनीशन नॉट लेट अ कपल ऑफ क्वेश्चन सो दैट वी कैन डाइजेस्ट वट एग्जैक्टली दिस इज सो जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी लेने वाले हैं वो इस पॉइंट पर बेस्ड है कि अगर सपोज करो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है नॉन इम्पलसिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं टर ऑफ मास्क और कॉन्स्टेंट भी है देन सेंटर ऑफ मास्क कैसे मूव करेगा सेंटर ऑफ मूव एज पर इक्वेश मूव एज उसके बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि एफ एक्ट कर रहा है तो एफ की वजह से हम लिख सकते हैं एम इंटू ए सी एम इजेड और पूरे सिस्टम में जो भी सिस्टम है वो आपने डिसाइड किया उसमें नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से अपने को ए पता चल जाएगा तो अपना ए कैसा आ जाएगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा अगर अपने पास ए सी आ गया तो कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं जैसे कोई पार्टिकल कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन से चलता है सिमिलरली उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी तरह से चलेगा सो सेंटर ऑफ मास विल फॉलो कांस्टेंट एक्सेलेशन केस और कांस्टेंट एक्सेलेशन केस में पाथ कैसे बनते हैं या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या फिर ये पैराबोलिक पाथ होगा सो आइदर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा या फिर प्रोजेक्टाइल होगा तो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा सो सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग इन दैट वे ओनली राइट न और अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हुआ तो फिर हमारा आ, ये ए सी हम ही वेरी करेगा तो ये उस केस के लिए है जब फोर्स कांस्टेंट भी है अपार्ट फ्रॉम नॉन इम्पल्सिव जैसे भी हमने ग्रेविटी का एग्जांपल लिया सो so, इस पर एग्जांपल लेते हैं सो so एग्ज़ाम्पल के लिए पिक्चर को देखते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेट्स अपने पास एक ऑब्जेक्ट है बॉल और समथिंग इसका टोटल मास अपने को एम दिया गया और इसको आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड सो वी आर यूजिंग द वर्टिकल अपवर्ड मोशन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फॉर दिस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट कि ये ऊपर जाएगा ऊपर जाने के बाद वापस आ जाएगा दैट इज़ वट वी नो इन द इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन ओके लेकिन क्या होता है कि जब ये ऊपर जा रहा होता है इसकी अपवर्ड जर्नी में ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर था जिस समय इसके पास वेलोसिटी वी थी अपवर्ड डायरेक्शन में सडनली क्या होता है कि ये ब्लास्ट हो जाता है मल्टीपल पार्टिकल्स में फ्रैगमेंट्स में चला जाता है तो अगर ये ब्लास्ट होता है तो यहां पर लेट से मैं एज्यूम करता हूं कि दो पार्ट पे जाता है एक ये एम वन है और ये एम टू है सो so, ये जो पहले सिचुएशन दिखाया गया ये जस्ट बिफोर द ब्लास्टिंग है और सेकेंड uh, सिचुएशन है वो जस्ट आफ्टर द ब्लास्टिंग है सो so, इसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैसे चल रहे हैं पार्टिकल कहाँ पर लैंड करेंगे और उनके पास कितनी वेलोसिटीज होंगी एनर्जीज होंगी वो सारी बातें अपने को करनी है सो so, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आ, अगर ये ब्लास्ट हुआ तो क्या आपने कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स लगाया अब बोलोगे नहीं कोई भी एक्सटर्नली इम्पल्सिव फ़ोर्स नहीं लगाया गया क्या इस पर कोई नॉन इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग है यस ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स है वो एक्टिंग है तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह से ही चलता रहेगा क्यों क्योंकि जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स अभी भी लग रहा है आपने कोई भी एडिशनल फोर्स उसमें ऐड नहीं किया है और जो भी हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा सेंटर ऑफ मास अभी भी इसी तरह से ऊपर जाएगा जाने के बाद वो फिर वापस रिटर्न होकर के आएगा सो दिस विल बी द पाथ फॉर द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास विल बी फॉलोइंग ओरिजिनल पाथ विदाउट डिफ्लेक्टिंग नाउ अब इस पॉइंट को यूज करने के लिए इन पार्टिकल्स को ऐसा मूव करना होगा कि हर इंस्टेंट पर इन पार्टिकल्स की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए सो so दैट कि वो सेंटर ऑफ मास के इस पाथ को जस्टिफाई करे ओके okay? सो so, अपने पास क्या होगा कि जब फिर वो वेलोसिटीज़ वगैरह देंगे जैसे इसके पास इधर एक वेलोसिटी आएगी तो इसके पास इधर भी एक वेलोसिटी आएगी लिट्स से v1 है तो ये अपने इसको हम v2 पकड़ सकते हैं v2 होगा साथ ही साथ इसके पास एक ऊपर वाली वेलोसिटी होगी लिट्स से v1 वन डैश है तो इसके पास भी इधर एक v2 टू डैश वलासटी आएगी दोनों के पात प्रोजेक्टाइल बनेंगे ये कुछ ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा ये बेसिकली सेम हाइट तक जाएंगे जहाँ तक सेंटर ऑफ मास गया है और ये भी कुछ इस तरह से उसी हाइट तक जाएगा जिस मोमेंट पर कोई भी मोमेंट अगर आप कंसीडर करते हो लेट्स एक मोमेंट कंसीडर करते हैं जब ये यहाँ पर होगा उस मोमेंट पर ये, इसको इस टॉप पॉइंट पर होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए कि उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर लाई करेगा दैट विल बी देंटर ऑफ मास एंड दिस विल बी मूविंग इन द होल डायरेक्शन लाइक दिस दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन बट देंटर ऑफ मास विल बी देयर सिमिलरली एट एनी इंस्टेंट जब ये यहाँ पर होगा तो इसको यहाँ पर होना चाहिए सो दैट सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा सो दैट सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है सो so, हर मोमेंट पर इनकी लोकेशंस इस तरह से डिफाइंड होंगे कि सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिनल पाथ को जस्टिफाई करेगा दस पॉइंट ऐसा इसलिए क्योंकि uh, एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रहा था कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ग्रेविटी पर यह चल रहा था और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो जितने भी पार्टिकल्स बनेंगे दे विल फॉलो सच अ पाथ सो दैट दे विल हैव द सेम ट्राजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास एज इफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस इंटीग्रेटेड और एक्सप्लोरडेड जब ये लैंड करेगा तो फिर कहाँ कहाँ पर लैंड करेंगे ये जहाँ भी लैंड करेगा ये जहाँ भी लैंड करेगा उसी मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, पर आएगा यानी जिस मोमेंट पर ये लैंड करेंगे उस समय सेंटर ऑफ मास भी लैंड कर रहा होगा तो इनके लैंडिंग का टाइम भी हम बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास को पकड़ करके फिर इनकी लोकेशन पकड़ सकते हैं और वो डिपेंडिंग अपॉन मास क्या चलेगा वो हम लगा सकते हैं राइट right? इनफैक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर पता करना हो लेट्स से कि अगर हम इस लोकेशन पे बात करना चाहें तो इसका हॉर्जोनटल डिस्प्लेसमेंट और इसका हॉर्जोनटल डिस्प्लेसमेंट वो मासिस के रेशियो में रहेंगे तो इक्वेशन क्या जाएँगे उसके लिए हम एक जनरल पोजिशन पिक फिक्स कर लेते हैं लेट्स से यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर ये बॉल है और इसी लेवल पर इसको यहाँ पर भी होना पड़ेगा इसके पास अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी होगी इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक बार जो आ जाती है फिर वही रहती है वो नहीं चेंज करती है तो ये वी वन रहेगा ये वी टू रहेगा ये अपना वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करते रहेंगे नौ एज्यूम करते हैं कि इस समय सेंटर मास अपना जो होगा वो यहाँ पर होगा तो एज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एक्स वन डिस्टेंस पर है ये जो डिस्टेंस है वो एक्स टू डिस्टेंस पर है तो रोज़ क्या रहेगा अपने लिए दो रूल्स ऑब्वियस है जो यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो जितना इधर मास रेटेड वैल्यू है उधर उतना होना चाहिए सो एम वन एक्स वन शुड बी इक्वल टू एम टू एक्स टू एक हो location, M1, M2, so, ये रिलेशन रहेगा एज पर द सेंटर ऑफ मास लोकेशन एंड एज पर द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन द दॉर्जोनटल डायरेक्शन वी कैन से एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू सो ये वी वन वी टू में क्या रिलेशन होगा वो हॉरजोनटल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दिया क्यों क्योंकि हॉर्जोनटल डायरेक्शन में फोर्स जीरो था और ये क्या लिखा हुआ है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी जीरो थी इनिशियली सो so वो दो दो फर्स्ट केस और सेकंड केस जो आपने लर्न किए थे वही दोनों हैं ये जो नीचे वाला ये फर्स्ट केस को यूज़ करके है ये सेकेंड को इसको यूज़ करके है राइट right? तो इस तरह से हम उनको इनकी लोकेशंस हर मोमेंट पे पता ट्रैस कर सकते हैं इनकी वेलोसिटीज भी हर मोमेंट पे ट्रैस कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैसे चल रहे होंगे ये मैंने दो पार्टिकल के केस के लिए बताया जब वो दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हुआ है अगर सपोज करो ये थ्री पार्ट या फोर पार्ट या एन पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है तो सबके लिए यही स्टोरी रहेगी कि आ, आ, उनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी और फोर्स ज़ीरो रहेगा यानी उनका सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा अगर वर्टिकल गया है तो और एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करा देंगे और सेंटर ऑफ मास विल फॉलो दी ओरिजिनल दैट वाज सपोज टू बी फॉलो उसी पाथ को फॉलो करेगा ओके बेस्ड ऑन द सेम थिंग लेट मी गिव यू अ होम बुक प्रॉब्लम ओके सो लेट्स कंसिडर एक प्रोजेक्ट वाले जो हम ए पॉइंट से थ्रो करते हैं और ये पैराबोलिक पाथ पे जाता है ये अपने को पता है यू और थीटा ये भी अपने को पता है लेट्स एक ये, 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 ये उसका रेंज आने वाला है तो रेंज भी अपने को नोन है यू थीटा नोन होगा तो आर पता चल जाएगा सो so, uh, लेकिन क्या होता है कि जब ये पार्टिकल जा रहा होता प्रोजेक्टाइल पे हाईएस्ट पॉइंट पे गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो उसके पास वेलोसिटी ये रही होगी यू कॉस थीटा यू नो दैट लेकिन सडनली क्या होता है कि इसी पॉइंट पर ये डिसइंटीग्रेट uh, हो जाता है दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है तो एक तो ये पार्टिकल है उसी लोकेशन पर होगा मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ और दोनों इक्वल इक्वल मास के होते हैं सो लेट से कि अगर इसका मास m दिया था तो इसका मास m बाई टू है और इसका भी मास m बाई टू है दोनों इक्वल मास में डिवाइड हो जाते हैं दो पार्टिकल्स में उस डिवीजन के बाद आपको ये गिवेन है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो बैक साइड चलना स्टार्ट करता है इसी पॉइंट पर इसी ट्रैक पर और इसकी बैक साइड की वेलोसिटी आपको दी गई है थीटा पॉइंट इसकी एक पार्टिकल आफ्टर एक्सप्लोजन और डिसइंटीग्रेशन हैज़ अ विलॉसिटी यू थीटा इन द अपोजिट डायरेक्शन सेकंड के बारे में नहीं पता है तो सिंपल सी बात है कि सेकंड के पास जो भी वेलोसिटी आएगी वो इसी डायरेक्शन में होगी क्यों क्योंकि टोटल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और हम यहाँ पर लीनो मोमेंटम कंजर्वेशन करके वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं एनी वे इसके बाद अपने को कुछ आंसर्स देने हैं तो हम लोग आंसर की बात करते हैं uh, क्या आंसर देना है आपको उसके बारे में बात करते हैं ये जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मैक्सिम हाइट पॉइंट पर हुआ है यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर हुआ है क्वेश्चन क्लियर हो गया तो एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट दॉइ सो दिस इंटीग्रेटेड टू टू इक्वल मास पार्टिकल्सिटी इन द रिवर्स डायरेक्शन सो इट्स इज फाइंड देर आर टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ए लेट से वेयर सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड वेन टू फ्रैगमेंट्स lands ऑन the ग्राउंड मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ तो कुछ पाथ ऐसा बना के देगा कि एक ऐसा आगे जाएगा पाथ और एक ये नीचे बैक साइड है सो so, uh, Say, इस लोकेशन को सी बोलते हैं इस लोकेशन को डी बोलते हैं तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एट ए सेकेंड ऑप्शन है एट बी थर्ड ऑप्शन है एट सी फोर्थ ऑप्शन है एट डी सो अपने को यह बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास फाइनली ग्राउंड पर लोकेट होगा जब दोनों लैंड करेंगे पार्टिकल्स दोनों फ्रेगमेंट तो वो कौन से पॉइंट पर होगा ए पॉइंट पर डी पॉइंट पर बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर कटो नो सो एक तो ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा ये दोनों आपको आंसर करना है दूसरा ये बताना है अपने को कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ ए बेसिकली अपने पास ये है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट ऑफ पार्टिकल सेकेंड का मतलब हुआ कि इसको हम फर्स्ट कह रहे हैं इसको सेकेंड कह रहे हैं नॉर्मल क्लेचर इस तरह से सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट वेन इट लैंड ऑन द ग्राउंड अपने को बताना है इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं पहला जीरो uh, दूसरा आर आर डिस्टेंस पे करेगा तीसरा टू आर चौथा सो दीज आर द टू क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर बेस्ड ऑन द लर्निंग दैट इन दिस वीडियो हैव बीन एक्सप्लेन्ड Or that means you have got to know how the center of mass behaves when there is a motion taking place under a constant non-impulsive force then in the next video we will talk about the cases where the impulsive force is acting along with the collision okay thank you everyone